अगर आप प्राइवेट बैंक्स जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जना बैंक, इन बैंक्स के अंदर जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 9 ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्टली हर एक प्राइवेट बैंक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस फ्रेशर्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हो और प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं उनको कैसे आंसर करना है पूरी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। So, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक बैंक के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट यू। इस क्वेश्चन को 2-3 तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि ब्रीफली शेयर अबाउट यू और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आंसर सबका सेम रहेगा। ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर स्मार्टली करते हो तो आप पूरे के पूरा जो इंटरव्यू की डायरेक्शन है वो अपने हाथ में ले सकते हो। इसमें आपको अपने बारे में बताना है, अपनी स्ट्रेंथ बतानी है और साथ ही साथ प्रूव करना है कि आप बैंकिंग सेक्टर के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हो। सेकंड क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा व्हाई यू वांट इन बैंकिंग इंडस्ट्री। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। आपको स्पेसिफिकली आंसर करना है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों हो। आपको बताना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पे स्केल्स अच्छे हैं, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इस इंडस्ट्री में अगर आप वर्क करते हो। तो ये आंसर आपको दे देना है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली आता है कि आप कौन कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट्स को जानते हो, कि बैंकिंग में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके आंसर में आपको बताना है कि डिफरेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, लोन्स होते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं। इसके आंसर को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे और आपसे नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इनमें से कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हो, राइट? तो उसका आंसर आपको प्रिपेयर करके जाना है कि किस फील्ड में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप इंश्योरेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लोन्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या अदर सर्विस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आपको वो तैयारी करके जानी है। इन 3 क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज, आपकी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नॉलेज को एसेस किया जाए। तो आपसे कुछ क्वेश्चन इस सेक्टर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, What do you mean by CASA? Asset क्या होती हैं, Liabilities क्या होती हैं, इसी तरह के कुछ basic financial और banking से related questions आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकी तैयारी आपको properly करके जानी है। Next question, अगर आप sales की job में जा रहे हो तो आपसे जो 5th question पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि इस city के कुछ famous places के बारे में बताइए। ये इसलिए पूछते हैं question ताकि अगर आप जब फील्ड में जाओगे, जब आप मार्केटिंग करने के लिए फील्ड में जाओगे तो आपको उस सिटी से अवेयर होना बहुत जरूरी है, राइट? सो अगर आपको सिटी के मेन पॉइंट्स पता है तो उससे उनको एक आइडिया लग जाता है कि आप इजीली रीच आउट कर पाओगे कस्टमर्स को। आप फैमिलियर हो एरिया से तो आपके लिए सेल्स करना और जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उनको फॉलो करना काफ़ी इजी रहेगा, और साथ ही साथ इससे आपकी जनरल अवेयरनेस उस सिटी के बारे में और अपने आसपास के बारे में कितनी है उसका भी एक उनको आइडिया लग जाता है। 6th क्वेश्चन, अगर आप बैंक के अंदर सेल्स प्रोफाइल या नॉन सेल्स प्रोफाइल पे भी जा रहे हो तो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सेल्स करनी ही पड़ती है, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये हो सकता है कि हाउ यू विल सेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, राइट? इसका आंसर आपको करना है बहुत स्मार्टली। आपको बोलना है कि मैं किसी को भी रेंडमली कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा, पहले मैं समझूंगा उस कस्टमर की क्या नीड है और उसके लिए क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उस कस्टमर का बेनिफिट कैसे होगा। सो मैं ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस कस्टमर की प्रोफाइलिंग करने के बाद ही एक सही प्रोडक्ट पिच करूंगा जो कि मुझे इंस्टेंटली ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा और मैं प्रोडक्ट्स को सेल कर पाऊंगा। सो अगर आपने ये आंसर अच्छे से दिया, बाकी आंसर्स आपने कम अच्छे से भी दिए होंगे, तो आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक बैंक के अंदर मोस्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम जो है सेल्स से रिलेटेड ही होता है, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड ही होता है। 7th क्वेश्चन,
सेवेंथ क्वेश्चन होता है आपका लॉन्ग टर्म विजन जानने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और 10 years। इस क्वेश्चन पूछने का जो मेन मकसद है वो अंडरस्टैंड करना कि आप टेम्पररी तो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आ रहे, टेम्पररी तो बैंकिंग के अंदर नहीं आ रहे, आप क्या लॉन्ग टर्म बैंकिंग में ही अपने आप को देखते हो। तो इससे आइडिया लग जाता है कि आप स्टेबल रहोगे, आप जल्दी जॉब छोड़ के चले जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्मार्टली प्रिपेयर करो, आप उनको आंसर दो कि आप अपने आप को लॉन्ग टर्म में बैंकिंग इंडस्ट्री में ही किसी सीनियर प्रोफाइल पे दिखते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आठवां क्वेश्चन, जो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ यू विल रिएक्ट व्हेन अ कस्टमर शाउट एट यू। इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस है कि आपकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना कि क्या आप बैंकिंग के लिए राइट फिट हो, क्योंकि बैंकिंग एक सर्विस इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री में हर किसी को खुश रखना इजी नहीं होता। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कस्टमर नाराज हो जाते हैं, कस्टमर की गलती भी हो सकती है, बैंक की गलती भी हो सकती है, लेकिन इस टाइम में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बहुत ही पेशेंटली उस कस्टमर को हैंडल करना होता है, राइट। सो आपके अंदर गुस्सा आए भी तो भी उस गुस्से को कंट्रोल करके इस कस्टमर को हैंडल करना है, उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो इसी तरह से आप अपना आंसर प्रिपेयर करोगे कि इफ़ द कस्टमर इज शाउटिंग एट मी, फर्स्ट आई विल लिसन टू हिम, वॉट इज द इशू, आई विल ट्राई टू काम हिम डाउन एंड देन प्रोवाइड अ सोल्यूशन विच इज एज पर द बैंक पॉलिसी। आप इस तरह से आंसर दोगे तो आप दोनों चीज़ों का बैलेंस आउट कर पा रहे हो, बैंक को भी और कस्टमर को भी। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का स्मार्टली आंसर देना है। लास्ट नाइन्थ क्वेश्चन जो कि है वाई शुड वी हायर यू। अगर अब तक के क्वेश्चंस के आंसर्स आपने अच्छे से दिए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करते समय आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, आप बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए क्यों फिट हो, क्यों इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो और क्यों आपको वो अपॉर्चुनिटी दें। आप इसमें अपना एक पर्सनल रीजन भी अटैच कर सकते हो। अगर ये आंसर आपने अच्छे से दिया तो ये आपका फाइनल स्टेप होगा सिलेक्शन की तरफ, राइट। सो आई होप ये 9 के 9 क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ गए, इनके आंसर्स की टेक्निक्स आपको समझ आ गई। इसके लिए हमने और भी वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है। ना सिर्फ ये 9 क्वेश्चंस बल्कि 100+ क्वेश्चंस जो बैंकिंग इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो सब हमने ईबुक की फॉर्म में कवर किए हैं। और ये ईबुक कहाँ अवेलेबल है, ये ईबुक अवेलेबल है हमारे कोर्स के अंदर। हमारा कोर्स है मैं भी बैंकर, अभी इसका प्री लॉन्च चल रहा है। प्री लॉन्च के अंदर ये कोर्स 1999 का जो कोर्स है वो 199 में मिल रहा है और ये जो प्री लॉन्च है वो इस फ्राइडे को यानी कि 23 तारीख को खत्म होने वाला है। उसके बाद इस कोर्स का प्राइस जो है वो 500 रुपीज होगा, आप उसको 499 में इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आई हाईली रिकमेंड कि अभी जाइए और इनरोल कर लीजिए। फ्राइडे से पहले करते हो तो आपको 199 में मिल रहा है, उसके बाद आपको 499 में मिल रहा है एज अ लॉन्च ऑफर। उसके बाद इस कोर्स का प्राइस जो है लॉन्च ऑफर के बाद इस कोर्स का प्राइस वापस से इंक्रीज होगा। सो डिले मत कीजिए, जल्दी से इस कोर्स के अंदर इनरोल कर लीजिए। सो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो बैंक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।